और आप कुछ खबरें शोबिज की रंग रंग दुनिया से। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार विजय थालापति की नई फिल्म ने ओपनिंग डे में 148 करोड़ से जायद का बिजनेस करके मुतअद्दिद रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने 2023 का सबसे बड़ा ओपनिंग डे बिजनेस करके रजनीकांत की जेलर पर ब्रास की आदिपश और शाहरुख खान की जवानी को भी पीछे छोड़ दिया। प्रभास की आदिपश ने भी पहले दिन इसी नंबरों के करीब ही बिजनेस किया था, लेकिन अपने पहले वीकेंड के बाद उसका बिजनेस बहुत कम हो गया। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान 129 करोड़ के बिजनेस के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि 1140 करोड़ के मजमूई बिजनेस के साथ वो साल की सबसे बड़ी फिल्म का एहसास अपने पास रखती है। थ्रिल और एक्शन से भरपूर फिल्म 19 अक्टूबर को सिनेमा घर की जीनत बनी है और इसमें संजय दत्त भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। बॉलीवुड हदायतकार करण जौहर ने सुपरस्टार सलमान खान एक साथ जल्द नई फिल्म में जलवागर होने का इंदिया दे दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करण जौहर ने बजरंगी भाईजान को अपनी नई फिल्म में कास्ट करने के हवाले से खुलकर बात की है। करण जौहर ने अपनी शोहरत आफाक फिल्म कुछ कुछ होता है की सिल्वर जुबली स्क्रीनिंग में शिरकत की। फिल्म में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने मरकजी किरदार निभाए थे। दौरान इंटरव्यू हदायतकार से पूछा गया तो जवाब में करण का कहना था कि भाई जान के साथ एक फिल्म करने जा रहा हूँ, मैं सलमान और उनके पूरे खानदान का बहुत ज्यादा एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मायरा खान को फलस्तीन की हमायत महंगी पड़ गई। अदाकारा का सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिया गया। अदाकारा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि बहुत हो, मेरा इंस्टा अकाउंट बैन कर दिया गया। मायरा ने इसके बावजूद फलस्तीन की हमायत करते हुए फलस्तीन के परचम के कई इमोजीज बनाए। मेटा के जेर मलकियत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम जब किसी अकाउंट पर बैन की पाबंदी लगाता है तो इस तारीफ की पोस्ट इसके फॉलोअर्स की इंस्टाग्राम फीड्स के ऊपर नजर नहीं आती, जबकि वो अकाउंट सर्च लिस्ट में भी नहीं आता।